नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में नंदी पेंट वाले में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशियन पेंट लग्जरी इमल्शन के बारे में। एशियन पेंट लग्जरी इमल्शन में आता है आपका दोस्तों रॉयल लग्जरी इमल्शन। दोस्तों रॉयल लग्जरी इमल्शन, रॉयल के बहुत सारे वेरियंट आते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर आता है दोस्तों आपका रॉयल एस्पिरा, उसके बाद आता है रॉयल हेल्थ शील्ड, उसके बाद आता है दोस्तों आपका तीसरे नंबर पे रॉयल साइन और चौथे पे रॉयल लग्जरी इमल्शन। तो दोस्तों रॉयल लग्जरी इमल्शन की बात करें तो रॉयल लग्जरी इमल्शन लार्जेस्ट सेलिंग एशियन पेंट का सबसे पुराना वेरिएंट है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला रॉयल लग्जरी इमल्शन है, जो सबसे पहले कंपनी लॉन्च की थी वही आपकी रॉयल लग्जरी इमल्शन का। इसके बाद आपके सारे वेरियंट आते गए, रॉयल लग्जरी के बाद आपका रॉयल साइन आया, इसके ऊपर फिर रॉयल हेल्थ शील्ड आया, इसके ऊपर रॉयल एस्पिरा आया, ऐसे सारे ऊपर आते गए, लेकिन सबसे लार्जेस्ट सबसे पहला सेलिंग करने वाला रॉयल लग्जरी इमल्शन ही था। दोस्तों ये रॉयल लग्जरी इमल्शन है, टेफ्लॉन कोटेड है, एंटीबैक्टीरियल है, वॉशेबल है, वॉशेबिलिटी है इसके पास, और चौथा सबसे बड़ी बात है इसमें लो व्यूसी। लो व्यूसी की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको पेंट कराते वक्त बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं मिलेगी आपको पेंट में, कोई पेंट कराते वक्त आपके रूम में कोई स्मेल नहीं आने वाली है। तो इसका हुआ दोस्त लो व्यूसी, और ये प्योर प्लास्टिक पेंट के रेंज में आता है। एशियन पेंट का प्योर रॉयल लग्जरी जो इमल्शन है ये प्योर प्लास्टिक पेंट है। और शेड की बात करें दोस्तों तो शेड इसके 500 से 5000 शेड्स मिलेंगे आपको इसमें। और इसकी कवरिंग की बात करें दोस्तों तो कवरिंग 120 टू 160 स्क्वायर फीट कवरिंग है। 120 टू 160 ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके वॉल पे, कि आपका वॉल कैसा है, आपका वॉल कितना रफ है, कितना प्लेन है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये वॉल आपकी जो होगी दोस्तों वो जैसी वॉल होगी उसके हिसाब से आपकी कवरिंग होगी। और साइन की बात करें तो सॉफ्ट सीन इसकी साइनिंग है। तो दोनों कवरिंग और साइनिंग की बात करें तो दोनों दोस्तों आपके वॉल पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आपको साइनिंग के लिए सबसे पहले और कवरिंग के लिए सबसे पहले अपने दीवारों पे वॉल प्राइमर, फिर उसके बाद पुट्टी, उसके बाद प्राइमर, फिर उसके बाद रॉयल साइन लगाएं। इससे क्या होगी, आपकी कवरिंग भी अच्छी होगी और उसके आपकी साइनिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इसकी कवरिंग और साइनिंग आपके वॉल पे डिपेंड करती है दोस्तों, वो आप क्या लगा सकते हैं दीवार पे, कैसा आपका वॉल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी साइनिंग और इसकी कवरिंग। आगे बात करेंगे दोस्तों हम इसको कैसे लगाएंगे। दोस्तों आप इसे ब्रश, रोलर या स्प्रे से भी लगा सकते हैं, इन तीनों से आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप ब्रश से भी लगा लें, चाहे तो आप रोलर के यूज़ से भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप स्प्रे से भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट यूज़ के लिए तो मैं कहूँगा दोस्तों आपके लिए पहले पुट्टी वॉल है तो आप रोलर का यूज़ करें, बेस्ट यूज़ के लिए सबसे अच्छी साइनिंग होगी रोलर से। दोस्तों इसमें आपको एक लीटर में 400 से 500 ml पानी मिलाना है और दीवार पे एक कोट लगाएं, उसके बाद 4 से 6 घंटे सूखने का समय दें। ऐसा होता है कि जब पेंटर जल्दी में कोई जैसे कि काम करना चाहता है तो काम कर रहा है तो वो 4 से 6 घंटे पहले भी आपका वो वॉल पे दूसरा कोट चढ़ा देता है, लेकिन ऐसा ना करें क्योंकि इससे आपकी दीवार की जो साइनिंग है वो थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो जब एक पहली कोट लगाएं उसके बाद कम से कम 4 से 6 घंटे का समय दें, उसके बाद ही दूसरी कोट आप लगाएं, इससे साइनिंग बेहतर बनी रहेगी और जो कवरिंग है वो भी अच्छी होगी। इसकी पैक साइज़ की बात करें तो दोस्तों ये आपको 1, 4, 10 और 20 लीटर में पैक में उपलब्ध है। प्राइस की बात करें दोस्तों तो उसकी MRP 494 है और आपको ये 494 मार्केट में मिलेगी। और दोस्तों इसकी ये वाइट का प्राइस है, ये वाइट का प्राइस है 494। अगर आप इसमें कलर मिलवाएंगे, आपके कलर ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपने लाइट से डलवाना है या डार्क सेट करवाना है, उसके ऊपर इसके आपका कलर जो आपका पड़ेगा, कलर का रेट एक्स्ट्रा होगा, कलर टिंटेनिंग का चार्ज जो मशीन से आपका कलर पड़ेगा इसके ऊपर वो कलर आपका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। इस पर लिखा हुआ दोस्तों कि ओनली फॉर बेस पेंट एड कलरेंट्स, कलरेंट्स कॉस्ट एक्स्ट्रा। तो सर जो इसमें कलरेंट्स पड़ेगा दोस्तों उसका चार्ज आपका इसमें एक्स्ट्रा लगेगा, इसमें कलर जो आप भी पड़ेंगे, लाइट शेड होता है लाइट शेड के हिसाब से, डार्क होगा तो डार्क 100 से लेके डार्क होगा तो 300-400 ऐसे करके आपका कलरेंट चार्ज एक्स्ट्रा होगा। ये जो प्राइस है दोस्तों आपकी वो वाइट की है। तो ये हुई प्राइस की बात। दोस्तों इसमें रॉयल के बाद आपका रॉयल साइन भी आता है, जिसका मैं आपका डिस्क्रिप्शन अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि रॉयल साइन और रॉयल में क्या फ़र्क है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको दिखाऊंगा कि
सॉरी बताऊंगा कि रॉयल श्राइन और रॉयल में क्या फ़र्क है। आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या प्राइस है रॉयल श्राइन की। अभी के लिए आपका रॉयल लग्जरी इमर्शन। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।